हेलो, आप सभी का हार्दिक स्वागत है दक्ष स्टडी सेंटर सलोम्बर में। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? ऑप्शन ए माउंट आबू, बी भीलवाड़ा, सी उदयपुर और डी सिरोही। तो आप अपने जवाब फटाफट दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। कर्नल जेम्स टोड के बारे में तो आपने खूब सुना ही होगा, इन्हें घोड़ा वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका सही आंसर जो है आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तो इसका सही आंसर है माउंट आबू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ये है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगले देश के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ गोगुंदा, ऑप्शन बी माउंट आबू सिरोही, ऑप्शन सी बीकानेर जोधपुर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा उदयपुर। आप अपने आंसर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपके सब टॉपिक पढ़े हुए, एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लेके आया हूँ सामने। तो मुझे लगता है आपके आंसर दे रहे होंगे आप, और इसका सही आंसर होगा सी बीकानेर जोधपुर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते अपन। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? ऑप्शन ए बालुका स्तूप। बालुका स्तूप आप समझते होंगे रेत के टीले होते हैं, और अपन जानते हैं पश्चिमी राजस्थान में बहुत सारे रेत के टीले हैं। अब आप इन ऑप्शन को देखिएगा और इसके आधार पे आप इसका जो है आंसर कीजिए। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए फलोदी पोखरण, बी बीकानेर जोधपुर, सी उदयपुर भीलवाड़ा, डी प्रतापगढ़ सिरोही। तो आंसर बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर थर्ड का, इसका आंसर सही है बालुका स्तूप मुक्त। बालुका स्तूप मुक्त आंसर सही जाएगा बीकानेर जोधपुर, क्लियर। बालुका स्तूप मुक्त पूछा मैंने, ध्यान रखिएगा। पूरे राजस्थान को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक बालुका स्तूप युक्त और एक बालुका स्तूप मुक्त, यानी जो अपना मरुस्थली जो क्षेत्र है उसमें। तो बीकानेर और जोधपुर यहाँ पर ऑप्शन जो हैं आपके चले जाएंगे बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ अपन चलते हैं, राजस्थान में कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जैविक ऊर्जा उत्पादन, बी सौर ऊर्जा उत्पादन, सी पवन ऊर्जा उत्पादन, डी ताप ऊर्जा उत्पादन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए कि इसका सही आंसर क्या है, बताइए आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन जो है मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। जैविक ऊर्जा उत्पादन भी हो सकता है कि जैविक ऊर्जा में बहुत सारे जो भी अपने प्लांट्स हैं उसको उपयोग में लिया जाता है। पवन ऊर्जा के लिए पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कारण है। और ताप ऊर्जा में जैसे खान के कोयला वोयला निकालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर पाँच, भूकंप की दृष्टि से राजस्थान में कितने जोनों बांटा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने योग्य क्वेश्चन है, लिख दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है। ऑप्शन ए तीन, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी नौ और ऑप्शन डी सिक्स। इसका सही आंसर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है थ्री, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विंध्यन का गार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में विंध्यन का गार, विंध्यन का गार क्षेत्र आपको पता होगा, यदि अपन राजस्थान को भौतिक प्रदेशों बांटते हैं तो जो अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है ये विंध्यन का गार क्षेत्र में आता है, शामिल होता है। तो इसका आंसर दीजिए आप, ऑप्शन ए लाल पत्थर, बी पीला पत्थर, सी बालू का पत्थर, डी काले पत्थर। तो इसका सही आंसर होगा बालू का पत्थर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेवन, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस भू आकृति विभाग का भाग है? गोडवाड़ प्रदेश बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ गोड जाति के लोग निवास करते थे। ऑप्शन ए पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पूर्वी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश और पूर्वी अर्ध शुष्क प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सेवन, तो इसका आंसर सही हो जाता है पश्चिमी
शुष्क प्रदेश जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, ध्यान रखिए न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ऐसे जिलों के आपको नाम बताने हैं। ऑप्शन ए बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऐसा जिला है जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है नहीं अंतर्राष्ट्रीय। तो बूंदी, दौसा तो आपको दिख रहा होगा क्लियर, दौसा इसमें आ रहा है। फिर सी बी ऑप्शन है सिरोही, दौसा, बांसवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर। सी है डूंगरपुर, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, बांसवाड़ा, और डी है भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, पाली, उदयपुर, जोधपुर। तो आंसर बताइए मुझे, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ती है। तो देखिए इसका जो आंसर जो है, बूंदी आप देखोगे तो अंतर जिलों में आता है, दौसा भी नहीं जुड़ता किधर, राजसमंद नहीं जुड़ता, पाली नहीं जुड़ता, जोधपुर नहीं जुड़ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। वापस से ध्यान से पढ़ लिखो, सिरोही पर पता है इधर गुजरात से जुड़ रही है, बांसवाड़ा जुड़ रहा है, उदयपुर जुड़ रहा है, डूंगरपुर भी जुड़ रहा है, भीलवाड़ा जुड़ रहा है। तो आंसर केवल और केवल होते हैं ए, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है हाड़ौती का पठार का नाम वास्तव में है, यानी जो हाड़ौती का पठार है उसका वास्तव में नाम क्या है, ये इसका आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए लावा का पठार, बी उड़िया का पठार, सी बोराट का पठार, और डी मेसा का पठार। तो सही आंसर है इसका लावा का पठार, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग समय अंतर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है याद रखने वाले, ये सारे सर में एकदम याद रखने वाले क्वेश्चन लेके आए हैं मैगजीम, अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन और लाएंगे। तो बताइए आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए आप, 30 मिनट, 60 मिनट, 36 मिनट, 38 मिनट। आप इसको सोल्व करोगे तो आप पाओगे इसके लगभग जो है 35 मिनट को सेकंड होते हैं, लगभग 36 मिनट यहाँ पर अप्रोप्रिएट इसका आंसर चला जाएगा। राजस्थान का अधिकांश भाग किस के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, और इनमें से कोई नहीं। यदि आप राजस्थान के बारे में थोड़ा सा भी यदि जानते हो तो इस प्रकार से यदि अपन राजस्थान बनाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ से जो है लगभग इस भाग से जो है अपनी जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मेरे हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की सीमा पाली जिले से नहीं लगती, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैप आपको यदि क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हो, बाकी नहीं कर पाओगे। तो राजस्थान के किस जिले की सीमा पाली जिले से नहीं लगती, थोड़ा सा मैप यदि आपके माइंड में है तो आप देखोगे जोधपुर और पाली पास पास में है, ये नहीं लगेगी। उदयपुर और पाली ठीक है, आप पता होना चाहिए पाली और राजसमंद पास में है, और भीलवाड़ा आप देखोगे कि भीलवाड़ा, पाली और अजमेर ये आसपास पड़ते हैं यदि आप थोड़ा सा मैप आपके माथे में है तो, और सिरोही पास में है। तो देखिए जोधपुर जुड़ रहा है सिरोही से, ठीक है ना, बात सुनवा जो बता रहा हूँ आप मैप देखोगे तो आप क्लियर आंसर आ जाएगा आपका डी। हाँ मैप पता होना चाहिए, यदि मैप पता नहीं तो आंसर नहीं कर पाओगे। राजस्थान में कौन से जिले में अरावली का कामली घाट स्थित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये, सीधा से याद रखना राजसमंद पाली जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, क्लियर। अब वापस एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का कामली घाट स्थित है, तो अरावली कामली घाट स्थित है राजसमंद पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो देश में सबसे बड़े जिलों में से एक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ भी है, जानते भी हर विद्यार्थी कि भाई इसका आंसर क्या होगा, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा जैसलमेर। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है, जहाँ से मैं वर्तमान बात कर रहा हूँ मेरे थोड़ी ही दूर केवड़ा की नाल है, तो पता लग ही गया होगा दक्षिण स्टडी सेंटर उदयपुर में, उदयपुर सलूबर के जिस रास्ते पे केवड़ा के नाल स्थित है। तो कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान, देखो स्थान पूछा है लेकिन ऑप्शन में जिले दिए हैं, ये भी अपन को थोड़ा ध्यान रखना है, वैसे क्वेश्चन अलग बनता है ये भी। तो जालौर, जैसलमेर, चूरू और भीलवाड़ा। तो आंसर सही हो जाएगा अपने लिए यहाँ पर चूरू, क्लियर।
यदि ठंडा स्थान की बात करते हैं, जिले की बात करते हैं तो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। खेजड़ली किस जिले में स्थित है? देखो पाली, जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर, बहुत आसान से क्वेश्चन है। खेजड़ली का आपने वाक्य भी सुना होगा, अमृता देवी वाला, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर में से कौन सा एक जिला पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता? बहुत आसान से क्वेश्चन है, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, तो आंसर क्वेश्चन में ही है। आंसर क्या हो गया इसका? डी, यानी जालौर नहीं लगता, बाकी सभी जिले लगते हैं। बोराट का जाने वाला बूढ़ा, बूढ़ा नाम से जाने जाने वाला पठार किस जिले में है? बोराट के नाम से जाने वाला, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, मिस्टेक टाइप एक में, ठीक है ना? तो ये भी अपना आंसर क्या जाएगा? उदयपुर इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई है? लगभग आंसर इसका बता दीजिए, सबको पता भी है, लगभग 9 पॉइंट, जो इसका सही आंसर है वो है 9.3%। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे कुछ स्टार्स हैं, कम विद दक्ष एंड गो विद सक्सेस, ये लेटेस्ट के हमारे रिजल्ट्स हैं। दक्ष स्टडी सेंटर जो बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी का जो दिन मंगलमय रहे। आप इसी प्रकार से हमारे जो है वीडियो लाइक करते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय